तो एक बार फिर से आपको बताएंगे, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी का गर्दशी कर्ज बेकाबू। पीएसओ का सर्कुलर वेट 742 अरब से जायद हो गया है। कारोबार में मुश्किल का सामना है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने पीएसओ के 451 अरब 11 करोड़ रुपए अदा करने हैं। जराय की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो पीएसओ कंपनी का गर्दशी कर्ज बेकाबू हो चुका है। पीएसओ का सर्कुलर डेट 742 अरब से जायद का हो चुका है। जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी है उसका जो गर्दशी कर्ज है वो भी बेकाबू हो गया और सर्कुलर डेट 742 अरब रुपए से जायद हो गया। पीएसओ के जो मुख्तलिफ वाजिबात है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ एंटिटीज है उन्होंने देने, पावर सेक्टर की कुछ कंपनी उन्होंने देने। अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊँ तो पीआईए और हुकूमत पाकिस्तान ने 108 अरब रुपए जो है 108 अरब और 24 करोड़ रुपए अदा करने। जरा ने यह भी बताया कि पावर सेक्टर ने मजमूई तौर पर 182 अरब 67 करोड़ रुपए अदा करने। जरा ने यह भी बताया कि पावर सेक्टर ने मजमूई तौर पर 182 अरब 67 करोड़ रुपए से जायद अदा करने, जिनमें जेनको और सीबीपीए ने 150 अरब 13 करोड़ रुपए जबकि हबको और कैपको ने 32 अरब 54 करोड़ रुपए अदा करने। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात की जाए तो पीआईए ने पीएसओ के 24 अरब 94 करोड़ रुपए का जो है वो मकरूज है। एक्सचेंज रेट और डिफरेंशियल की वजह से 74 अरब रुपए का लॉस जो है पीएसओ को हुआ है। जरा ने यह भी बताया कि एलएनजी के एक्सचेंज रेट में 6 अरब और 75 करोड़ रुपए का नुकसान है। मजमूई तौर पर ये जो रकम है ये बहुत ज्यादा बनती है, 742 अरब रुपए से जायद की रकम है, जिसकी वजह से जरा ये बता रहे हैं कि पीएसओ के कारोबार में मुश्किल का सामना है। तो लिहाजा इसका कोई जो है सदभाव करना चाहिए। जी ठीक है, निशान बहुत शुक्रिया आपका।